उद्धव सरकार और स्टालिन से लेकर ओबीसी तक सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। छात्र परेशान हैं और सियासत बेचैन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी और हालात सामान्य होने तक जेईई और नीट जैसी परीक्षाएं टालने की मांग की। ममता ने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारी पिछली वीडियो कॉन्फ्रेंस में मैंने सितंबर 2020 के अंत तक विश्वविद्यालयों और कॉलेज में टर्मिनल परीक्षाओं को पूरा कराने के यूजीसी के दिशा निर्देशों के खिलाफ आवाज उठाई थी। इससे छात्रों के जीवन में खतरा मंडराने की आशंका थी। अब शिक्षा मंत्रालय के निर्देश पर सितंबर में नीट और जेईई 2020 परीक्षाएं आयोजित किए जाने को लेकर मैं फिर से केंद्र सरकार से अपील करूंगी कि इन परीक्षाओं को तब तक के लिए स्थगित कर दें जब तक स्थिति फिर से ठीक ना हो जाए। ममता बनर्जी को महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना का साथ मिला। सूबे के पर्यटन मंत्री और मुख्यमंत्री के बेटे आदित्य ठाकरे ने भी पीएम को चिट्ठी लिखी और हस्तक्षेप की मांग की। आदित्य ठाकरे ने लिखा, माननीय प्रधानमंत्री जी, ये कोई व्यवहारिक और संगतपूर्ण विकल्प नहीं है, क्योंकि ज्यादातर प्रदेशों में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। इनमें कई जगहों पर रेड जोन्स हैं और कई जगहों पर परिवहन की शुरुआत नहीं हुई है। दुनिया भर में जहां कहीं भी स्कूल कॉलेज खोले गए हैं, वहां कोरोना के मामलों में तेजी आई है। हमारे देश में ज्यादातर छात्र अपने माता पिता और दादा दादी के साथ रहते हैं। अगर संक्रमण फैला तो जानलेवा होगा। जेईई और नीट की परीक्षा के खिलाफ दक्षिण के राज्यों से भी आवाज उठने लगी है। डीएमके सुप्रीमो स्टालिन ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर परीक्षा टालने की अपील की, तो एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी छात्रों का समर्थन किया। इतने दूर दूर से लड़के लड़कियां आकर एग्जाम लिखेंगे और अभी भी कोविड बड़ी तेजी से चल रहा है, कोविड खत्म नहीं हुआ है, तो मैंने अपनी बात को रखा है, सरकार से इस बात का डिमांड किया है कि वो जेईई और नीट के एग्जाम्स को वो उसको पोस्टपोन कर दें, मगर मुझे यकीन है कि सरकार इस बात को कबूल नहीं करेगी। इसीलिए स्टूडेंट्स को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सरकार जो गरीब आवाम जो बच्चे बच्चियां हैं तकलीफ में है, उसकी उनको फिक्र ही नहीं है। गौरतलब है कि जेईई की परीक्षाएं 1 से 6 सितंबर के बीच और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की जानी है, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से छात्र इसे टालने की मांग कर रहे हैं।